हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 का मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये सीरीज़ ऑफ क्वेश्चन वीडियोस हैं जिसके अंदर हम अब तक 1 to 35 मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। सो आज की क्लास के अंदर, आज के इस वीडियो के अंदर हम 36 to 50 क्वेश्चन उसके सॉल्व करेंगे। ओके, लेट्स गो। सो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है टाइम एंड स्पीड, देन सेकंड है हमारे पास में एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड क्वाड्रिलेटरल्स। सो ये आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं 36 to 50, उसके अंदर ये टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। सो टुडेज़ फर्स्ट क्वेश्चन इज, ए कार कवर्स 300 किलोमीटर एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड, इफ इट्स स्पीड वाज 10 किलोमीटर पर आर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस, फाइंड द स्पीड ऑफ कार। सो इसके अंदर हमको सबसे पहले ये पता करना है कि हमारे पास जो डिस्टेंस कितना होगा, कितना की कवर किया जाएगा। तो क्वेश्चन शुरू में लेते हैं हम। ओके, 300 किलोमीटर कवर किए हैं तो हमको इस आंसर से ही, इसको जो ऑप्शन है इससे ही आंसर बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि देन लेट 60 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड हम लेते हैं। ओके, जो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास में। अब इसके अंदर हमको एक चीज़ पता है कि टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, सो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 300 किलोमीटर्स को कवर करने के लिए अगर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर किया जाता है तो कितना टाइम लगेगा। सो इट विल टेक अराउंड 5 आवर्स। ओके, सो 5 आवर्स को साथ में अगर हम, अब इसके अगर हम 10 किलोमीटर्स ऐड कर दिए जाएं, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर इसके अंदर हम ऐड कर दें, तब क्या बनेगा। देखो 300 तो है हमारे पास में, अब बन गया 70। और जब 370 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो इट विल कम अप अपॉन 4 point something। सो 4.4 इज लेस देन 5 किलोमीटर्स, 5 आवर्स। ओके, सो ये ऑप्शन नहीं है हमारे पास में। सो ऑप्शन हम लेते हैं सेकंड वाला, 50 किलोमीटर पर आवर वाला ऑप्शन लेते हैं हम। इसके अंदर देखते हैं हम, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो 300 अपॉन 50, तो ये हमारे पास में आ गया 6 आवर्स। ओके, सो 6 आवर्स, अब प्लस इसमें हम करते हैं 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, इसमें किया आपने तो ये हम पहले भी कर चुके हैं। सो 60, सो ये आपके पास में आ रहा है 5 आवर्स। ओके, तो जो हमारी कंडीशन है उसको फुलफिल करता है कि भाई 1 आवर कम लगना चाहिए टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस। ओके, सो जो हमारे पास में सही ऑप्शन है इसके अंदर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, टू ट्रेन्स आर ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद 25 किलोमीटर एंड 30 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या हो जाएगा, हमारी जो दोनों की जो स्पीड है, ओके, अब जो दोनों की स्पीड है वो ऐड हो जाएंगी, सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगी। ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए। सो 30 plus 25, सो ये हमारे पास में हो रहा है 55 meters per second। अब टोटल डिस्टेंस कितना लगा इसमें, 300, इसमें देखो आपको पूछा है 300, इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 300 meters एंड द अदर ट्रेन इज 250 meters, देन फाइंड द टाइम टेकन बाई द ट्रेन टू क्रॉस, तो कितना टाइम लगेगा। सो डिस्टेंस टोटल कितना उन्होंने ट्रेवल किया, 300 plus 250। ओके, सो 550 meters उन्होंने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब देखते हैं टाइम कितना लगेगा। सो 550 upon 55, सो इट विल टेक 10 seconds। ओके, सो 10 seconds और ऑप्शन कौन सा हमारे पास में, ऑप्शन बी। ओके, तो ये बहुत सिंपल है।
तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो ताकि हम आपके पास में वीडियो टाइम से पहुंचा सकें। ओके, सो नेक्स्ट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। ओके, इफ 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर देन द डिजिट गेट रिवर्स्ड। ओके, यानी कि अगर आप जब यहाँ पे टू डिजिट हमारे पास ये नंबर से ऑप्शन है हमारे पास में, अगर इनमें से हम 9 को अगर 27 माइनस कर दिया जाए तब वो जो डिजिट है उनका ऑपोजिट सेम होना चाहिए और दोनों डिजिट का सम कितना होना चाहिए 9। सो ऑप्शन में देखो 81+9 ठीक है, 7+2 9, 3+6 9, 6+3 9। सो ऑप्शन हमारे पास में सेम है। ओके, तो अब सबसे पहले हम लेते हैं कि हमारा ऑप्शन से बनने वाला क्वेश्चन है सॉल्व होगा है। सो ऑप्शन ए लेते हैं हम इसमें सबसे पहले, तो 81-27 सो दिट विल कम अप टू 54। सो 54 को ऑपोजिट करो तो नहीं बन रहा क्योंकि हमारे पास ऑप्शन था 81, ये नहीं है हमारे पास में। ओके, सो ऑप्शन बी हम ट्राई करते हैं, 72-27 इट विल कम अप टू 45। सो ये भी हमारे पास में ऑप्शन नहीं है। सी 36-27 दैट विल कम अप टू 9। सो ये भी हमारे पास में सम नहीं हो पा रहा है इनका। सो ऑप्शन डी ही हमारे पास बचता है, इसको चेक करते हैं। 63-27 36। सो 63 था, इसका ऑपोजिट कितना हो गया हमारे पास में 36। सो डी इज अ करेक्ट आंसर। देर आर फोर there are some 4-wheelers and 6-wheelers in the garage. The total number of wheels of these vehicles is 120. The number of 4-wheelers is 3/2 times the number of 6-wheelers. Okay, find the number of 6-wheelers. तो 6-wheelers के कितना number होगा वो हमको यहाँ पर find करना है। सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या क्या है हमारे पास में, एक तो 4-wheelers हैं और एक हमारे पास में 6-wheelers हैं। अब 6-wheelers कितने हैं हमसे ये पूछा, हमको पता नहीं है। सो लेट एक्स, ठीक है एक्स है हमारे पास में सपोज, और 4-wheelers कितने हैं 3/2 टाइम्स ऑफ 6-wheelers। ओके, सो अब ठीक है, द नंबर ऑफ 4-wheelers इज दिस, फाइंड द नंबर ऑफ 6-wheelers इन द गैराज। तो 6-wheelers का पता करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब टोटल व्हीकल कितने हो गए इसके अंदर, सो इंटू 4, किस 4-wheelers हैं सारे के सारे, 4-wheelers तो हैं ही हैं, देन प्लस अब यहाँ पे कितने हैं 6-wheelers, तो 6 × 6, तो ये कितना टोटल कितने व्हील्स होने चाहिए हमारे पास में 120। तो एक इक्वेशन बन गई हमारे पास में, सो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हमारे पास में 6s + 6x = 120। तो ये टोटल कितना आपके पास में आ गया, सो x = 120/12। So this is 10. So 10 ऑप्शन है, यस डी जो है हमारे पास में करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। सो सबसे पहले हमको पता चलना होना चाहिए कि इंटीरियर एंगल होता क्या है। द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन एंड नंबर ऑफ साइड्स इंटू इंटीरियर एंगल। सो ये हमारे पास में इसका फॉर्मूला है 2n-2 180 into इंटीरियर एंगल। सो अब यहाँ पे हमसे पूछा है कि ये फार्मूला आपके पास में आ गया, सो अब हमसे यहाँ पे पूछा है कि मिनिमम कितना होगा। तो मिनिमम करने के लिए हमको क्या चाहिए कि ये जो टर्म है 1-2/n वाली, ये मिनिमम होनी चाहिए। अब ये मिनिमम कब होगी, तो इस टेबल से देखो आप ज़रा, यहाँ पे आप देखो ये नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 1, 2, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज नहीं आएंगी। 3 डालते हैं हम यहाँ पे, तो 2/3 और ये आ जाएगा हमारे पास 1/3 × 180 यानी कि 60। ओके, अगर 4 साइड्स हैं तो ये ज़्यादा जा रहा है हमारे पास में 90। सो मिनिमम कितना है हमारे पास में 60 डिग्री। सो ऑप्शन कौन सा आ गया हमारे पास में, ऑप्शन ए 60 डिग्री। सो 41 क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल इन ए हेक्सागन। सो कितने होंगे आपको आ सकते हैं, तो बिल्कुल इसके लिए नंबर ऑफ
साइड पता नंबर ऑफ डायगोनल्स पता करने के लिए एक फॉर्मूला है जिसमें आप कुछ भी नंबर डाल सकते हैं, पॉलीगन कोई भी पॉलीगन आप उसका फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज एन एन माइनस वन बाय टू माइनस एन। सो यहाँ पे डालते हैं ओके, सो सिक्स माइनस सिक्स माइनस वन बाय टू माइनस सिक्स ओके। सो ये आ गया हमारे पास में फाइव, सिक्स इंटू फाइव बाई टू माइनस सिक्स, तो कितना आ गया आपके पास में टोटल नाइन ओके। सो नाइन ऑप्शन है, यस जो सी है हमारे पास में वो ऑप्शन है ओके। क्वेश्चन नंबर 42, इन द एडजेसेंट फिगर द बाइसेक्ट ऑफ ए एंड बी मीट एट पॉइंट पी, इफ सी इज 100 डिग्री एंड डी इज 60 डिग्री देन मेजर द ए पी पी। सो हमको ए पी बी ये फाइंड आउट करना है, हमको बाकी एंगल दिए हुए हैं। सो सबसे पहले इसके अंदर हम देखते हैं कि ये हम सपोज करते हैं x है हमारे पास में, ये x है तो ये वाला एंगल भी x ही होगा, देन दिस इज y एंड दिस इज ऑल्सो y। सो हमको ये एंगल पता करना है एक्चुअली जो एंगल P है। सो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमको पूरा टोटल करना पड़ेगा। तो टोटल हमको पता है, टोटल जो है वो कितना होगा 360 होगा। इसके लिए आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 2y प्लस 100 एंड 160 यानी कि 160 इन 360 ओके। सो यहाँ से 2 कॉमन आ गया, 2x प्लस y इज इक्वल्स टू इधर 160 को इधर ले गए तो 200 बचा हमारे पास में। सो x प्लस y कितना आ गया आपके पास में 100 ओके। अब आप इसको हम एंगल में पुट कर सकते हैं। अब ये एंगल जो है हमारे पास में ए पी एंड बी ये कितना आना चाहिए 180 होना चाहिए। तो ए एक्स एक्स प्लस वाई, सो एंगल पी प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री ओके। सो एक्स प्लस वाई तो हमको पता है, सो एंगल पी कितना हो जाएगा, सो 180 माइनस 100 सो 80 डिग्री। सो ये ऑप्शन है हमारे पास में, यस ऑप्शन बी जो है वो 80 डिग्री है, दिस इज करेक्ट ऑप्शन ओके। 43, अ स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगल ईच हैव ए पेरीमीटर ऑफ 40 मीटर, द डिफरेंस बिटवीन एरियाज ऑफ टू फिगर इज 9 मीटर स्क्वायर। एरिया दिया हुआ है आप यहाँ पर ध्यान रखना आपको 9 मीटर स्क्वायर। वट इज द पॉसिबल डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगल, तो हमारे पास ऑप्शन हैं, ऑप्शन से ही बनने वाला है हमारे पास में ओके। तो सबसे पहले हमको एरिया पता होना चाहिए, दैट इज फॉर्मूला हमारे पास में फॉर पैरामीटर वाला 40 बाई 10। सो ये 10 मीटर तो हमारे पास में साइड आ गई, एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास में 100 ओके 100 मीटर स्क्वायर। सो 100 मीटर स्क्वायर जो एरिया है उसके साथ में हमारे पास में ये आ जाएगा। अब ऑप्शन में जाते हैं हम 13 एंड 7, तो इसके ऑप्शन को लेते हैं हम 13 इंटू 7 एंड जो आप देखोगे तो इंटू करो आप देन 13 ये आपके पास में आ गया 91 टोटल कितना हमारे पास में 100। सो दैट इज माइनस, अगर हम यहाँ पे आप 100 माइनस 91 दैट इज 9, सो हमारे पास में 9 मीटर स्क्वायर यहाँ से आएगा। सो पहला ही ऑप्शन हमारे पास में ठीक है। 44, इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी इज 6 सेंटीमीटर, बी सी इज 5 सेंटीमीटर एंड ए सी इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी। सो ये पहले हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। सो ड्रॉ करने के लिए दिस इज द पैरेललोग्राम ओके। सो ये आपके पास में आ गया, सो परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप करेंगे हम, दैट इज हाइट नाम लेते हैं हम ए, दिस इज बी सी एंड डी एंड दिस इज 7 और हमको साइड दी हुई है 5 ओके 6 हमको दी हुई है साइड ये वाली। अब हमको यहाँ पे क्या पता करना है,
अब देखो, अगर अभी आपको पता करना होता है तो इसके लिए दो फॉर्मूले हैं, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल वाला, दूसरा हमारे पास हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, हीरोन्स फॉर्मूला दैट इज अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सो ये हमारे पास में हीरोन्स। और एस क्या है यहाँ पे हमारे पास, साइड तीनों का डिवाइडेड बाय टू। सो एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाय टू। सो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। सो आपके बहुत सिंपल हो चुका है अब ये। सो फाइंड आउट करते हैं, चलो अंडर रूट ये हो जाएगा हमारे पास में 9 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। हमने इसको बहुत सिंपलीफाई कर लिया, इसको सब डिवाइड कर लिया। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए, ये हमारे पास में आएगा 6 अंडर रूट 6 इंटू 2। इसको भी हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देन रेगुलर के लिए कितना आ गया हमारे पास में, 12 अंडर रूट 6। सो टोटल कितना आ गया हमारे पास में, ये सी डी इंटू एच इज इक्वल्स टू 12 अंडर रूट 6। अब यहाँ से एच हम निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है। आप सी डी जो है हमको पता है 6 है, आप डिवाइड कर दोगे यहाँ पे तो आपके पास में आ जाएगा दैट इज हाइट 2। सो एच जो है हमारे पास में 2 है, जो कि ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है। ओके 45 सम सम क्यूबिक मीटर्स ऑफ डग आउट टू सिंक अ वेल विच इज 16 मीटर डीप डीप एंड विच हैज़ अ रेडियस ऑफ 8.5 मीटर। इफ दैट अमाउंट ऑफ अर्थ वेन टेकन आउट इज स्प्रेड ओवर ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ डायमेंशन 25 मीटर इंटू 16 मीटर, वट इज द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म सो फॉर्म्ड। सो इसमें कहा गया है कि अगर हम एक वेल जो है, जो हमारे पास एक कुआँ है, उसको एक सिंक करने के लिए हमको मिट्टी अगर निकालें जिसका डायमीटर है 3.5 मीटर। इफ़ द अमाउंट ऑफ अर्थ वैन टेकन आउट स्प्रेड ओवर रेक्टेंगुलर प्लॉट, अगर एक रेक्टेंगुलर प्लॉट को वो मिट्टी भरने के लिए यूज़ किए जाए जिसकी डायमेंशन 25 मीटर इंटू 16 मीटर है, तो उस प्लेटफॉर्म की हाइट कितनी होगी, यानी कि रेक्टेंगुलर की उसकी हाइट कितनी होगी, थर्ड डायमेंशन कितनी होगी। ओके तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो वेल है हमारे पास में, जो वेल है उसका, उसमें से मिट्टी कितनी हमारी निकली, जिससे कि हम ये पता कर सकें कि व्हाट अमाउंट ऑफ द अर्थ द सैंड वी हैव टू टेकन टू फिल। ओके तो इसके अंदर आपको करना क्या है, तो एक तो हमारे पास इक्वेशन होगी वेल की, और एक हमारे पास में होगी इक्वेशन रेक्टेंगुलर ब्लॉक है उसकी। ओके तो जो वेल के लिए हम क्या करेंगे, 2πRh। ओके सो πr²h। ओके सो पाई इज़ 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 16। ओके एच हमारे पास में यहाँ पे 16 है, इज इक्वल्स टू, और रेक्टेंगुलर कितना है 25 इंटू 16 इंटू, हाइट निकाली ना हमको, तो एच यहाँ पे हाइट हमको पता नहीं है। ठीक है तो अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, जो h आएगा हमारे पास में दैट इज़ दी हाइट। ओके सो इस इक्वेशन को सॉल्व करो आप। इस देखो यहाँ पे हम 5 को पूरा, आप इसको पूरा ले सकते हो। ठीक है सो अगर आप इसको कंप्लीट लोगे तो आपके पास में इसकी हाइट आ जाएगी। सो दैट विल बी और अराउंड यू कैन से 22 इंटू, उसको आप 7 ले लो। ठीक है 7 तो यहाँ से हमारा कैंसिल आउट ही हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है 3.5 इधर करके, तो इंटू योर 5
इंटू सॉरी 3.5 इंटू 16 बाय 100। ओके इधर आ जाएगा हमारे पास में 25 इंटू 16 इंटू एच, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। दैट विल बी अराउंड ये हमारे पास में कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। सो 20 हमारे पास में, देन हमारे पास में ये 10 हो जाएगा। सो हमारे पास में इधर क्या बचा, ये 11 से चला गया हमारे पास में, एंड दिस इज 1.7। सो हमारे पास में रहा 77 बाई योर 50 एच। तो अगर इसको सॉल्व करोगे 1.54 के अराउंड, जितनी मीटर जो है हमने भरा। ऑप्शन में है यस, ऑप्शन जो फर्स्ट है, ऑप्शन फर्स्ट जो है हमारे पास में वो है, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। ओके मूव ऑन टू नेक्स्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर हुज रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले जो वापिस से सिलेंडर का आ गया, तो हम इसके लिए सिलेंडर ड्रॉ करेंगे। हमको पता है जो सिलेंडर है, ये साइड हमारे पास में कितनी आ गई, पाई आर स्क्वायर, ये भी हमारे पास में है पाई आर स्क्वायर, एंड दिस इज दी 2πRh। ठीक है, तो इसलिए हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2πR आर प्लस एच। ठीक है, और हमारे पास में सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 2πRh। तो इसका आप थोड़ा सा और अच्छे से लिख लें, यानी कि 2πRh हमने इधर ले लिया कॉमन, पाई एच माइनस 1 यहाँ पे बच गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, किसके लिए हम इसको, हम जो है टोटल सरफेस के लिए, जो हमारे पास में टोटल सरफेस एरिया है उसके लिए सॉल्व करते हैं, विच इज 2πR प्लस 2πRh प्लस 2πR स्क्वायर इज माइनस हो गया आपको 2πRh, टू पाई आर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में होता है 2πR2। तो वो कितना है हमारे पास में, इसको पाई आर स्क्वायर की आर में ही रहने देते हैं हम, विच इज़ इक्वल टू रेडियस ऑफ 10 या फिर 100 रखा आपने इंटू 200, सो 200 पाई। ओके पाई, अब यूनिट भी लिखना बहुत ज़रूरी है, सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ठीक है, आपको पता लग गया ऑप्शन ए जो है वो दैट इज़ द राइट वन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन ऑफ 6 नंबर इज 15। ओके इफ 2 इज टेकन अवे फ्रॉम एवरी नंबर द न्यू मीन वुड बी। बिल्कुल सिंपल है ये, सिर्फ ट्रिक से है, एक से आप इसकी जो है ट्रिक ही कह सकते हो आप, कि जितना आपके पास में नंबर है उतना टेकन अवे, यानी कि टेकन अवे यानी कि माइनस करने को बोल रहा है, तो बस 15 आपका माइनस 2 कर दो बस, दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल। अगर इसमें बोलता ऐड करने को बोलता तो हम इसके अंदर ऐड करते, जो भी नंबर आता हम उसको करेक्ट कर देते। तो बिल्कुल सिंपल ट्रिक है ये, एक सेकंड का क्वेश्चन है। सो 13 इज़ द राइट आंसर। सो 48, द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर 45, 60 एंड 75 सेंटीमीटर, फाइंड द लॉन्गेस्ट ड्रॉ टू द लेंथ ड्रॉन टू द लॉन्गेस्ट साइड फ्रॉम इट्स अपोजिट वर्टेक्स। ओके सो सबसे पहले आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप इसको ड्रॉ कर लो। सो हम जब ड्रॉ कर रहे हैं इसको, ओके सो ये जो पॉइंट है आपके पास में, सो दिस इज द परपेंडिकुलर, ड्रॉप करना पड़ेगा, तो ये परपेंडिकुलर आ गया आपके पास में। ठीक है, तो साइड का नाम दे देते हैं हम, सो दिस इज ए बी एंड सी, दिस इज बी एम। तो साइड इसने कौन कौन सी दी हमको, 75 सबसे बड़ी ये है, तो 75 ये होगी,
उससे छोटी 60 एंड उससे छोटी 45, ओके। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, तो इसका पता करना है हमको। सो दो तरीके हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है, राइट एंगल ट्रायंगल मेथड एंड हीरोन्स फार्मूला। सो हम यहाँ पे इसको अगेन जो हीरोन्स फार्मूला है उससे हम इसको सॉल्व करेंगे, ओके। सो हीरोन्स फार्मूला हमको क्या कहता है, तो हमने पहले भी देखा था अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एस हमने कहा था तीनों जो साइड हैं, एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। तो ये हीरोन्स फार्मूला है, तो बिल्कुल सिंपल है, इसे हम निकालेंगे। सो साइड्स आप निकालो, लॉन्गेस्ट निकालने के लिए हमको इस करना पड़ेगा। सो लेट इट बी दिस दिस वुड बी 10 इंटू 9 इंटू 15, दैट विल बी साइड इंटू 1/2 इंटू हाइट के लिए 7.5 इस पर ड्रॉप किया इंटू योर एच, ओके। सो इसको सॉल्व कर लो आप, बहुत अच्छे तरीके से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। एट ओके, सो 56, ये भी हमारे पास कट गया 5, ओके। तो आपके पास में आ गया 36 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन हमारे पास में है डी, दैट इज़ द राइट वन, ओके। 49, इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। वाई जो है इसकी हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। तो इसको थोड़ा सा हम और इलाबरेट करते हैं, अगर ये वाई है देन ये कितना होगा बताओ। ये हमारे पास में है, ये भी अगर 25 है तो ये भी 25 है हमारे पास में, क्योंकि बिल्कुल इसमें पैरेलल बोला है हमको, ओके। तो इसके अंदर 50 हो जाए 25 है, तो ये भी 25 हो जाएगा, तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी। तो ये टोटल कितना हो गया हमारे पास में 85, ओके। सो 85 इंटू योर वाई प्लस 25, फिर प्लस है हमारे पास में। सो ये हमारे पास में प्लस है, इज इक्वल्स टू टोटल एंगल 180 डिग्री। तो आपके पास में ये आ गया 110 प्लस y इज इक्वल्स टू 180। सो y जो है आप निकाल सकते हो 70 डिग्री। तो ऑप्शन जो हमारे पास में डी, विच इज़ राइट वन, ओके। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, अ सिलेंडर टैंक हैज़ ए कैपेसिटी ऑफ 5632 मीटर क्यूब, इफ द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 16 मीटर, फाइंड इट आउट। वेरी इजी, बहुत ज़्यादा इजी है ये। सो हमको इसमें जो फार्मूला वो है वो लगाना है 2πr²h, और ये हमारे किसके बराबर है, दिस इज 5632। बहुत इजी है। सो 2π नहीं, सो हमारे पास में पाई होगा ये, ओके। सो दिस वन बी 22/7 इंटू योर आर, आर हमारे पास में है 16, जो डायमीटर दिया हुआ ना, तो 8 इंटू एच इज इक्वल्स टू 5632। सो इसको हम इजीली कट कर सकते हैं, इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको 7 की टेबल से भी सॉल्व कर सकते हो, 7 × 49, ओके, देन 0 × 7 यहाँ पे 4, ओके। सो 4 7 0 4 यहाँ पे आ गया हमारे पास में। ये भी कट हो जाएगा हमारा 22 से, दैट विल बी योर हमारा ये आपका 18 से ये कट हो जाएगा, सो आपको 88 आ जाएगा। सो दिस विल बी ऑल्सो कट बाय 4, तो हमारे पास में एच आ जाएगा यहाँ पे 28, ओके। सो एच हमारे पास में 28, सो ऑप्शन ए, ओके। सो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। सो अगर आपको कोई डाउट्स है इसके अंदर, आप और क्लैरिफाई चाहते हो, सो प्लीज़ आप हमको कमेंट करो,
क्वेश्चन जो है वो आप उनको भेज सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ पे क्वेश्चन पुट करो, कॉल करके पूछ सकते हो आप हमको, हम व्हाट्सएप पे आपको क्वेश्चन का रिप्लाई कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हम कर सकते हैं आपको रिप्लाई, ओके। तो फेसबुक, हम सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं, आप प्लीज़ क्वेश्चन आपके लेके आओ, प्रॉब्लम आपके लेके आओ, हम सॉल्व करेंगे, ओके। तो और इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।